साहब और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मनपा स्कूलों में मिड डे मील के माध्यम से बच्चों तक हर दिन अलग अलग प्रकार का खाना जाता है, चाहे खिचड़ी हो, चाहे दाल चावल हो, चाहे इडली हो। इसी प्रकार मनपा अधिकारी ऐसे संस्था को ये टेंडर पास करते हैं जो अच्छा खाना बच्चों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि ये बच्चों के सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। लेकिन कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर में मनसे के नेताओं ने एक संस्था के ऊपर आरोप लगाया था कि वो जो खाना बच्चों तक लेके जाते हैं वो कच्चा पक्का रहता है। जो महिला बचत गट जो संस्था है जो मिड डे मील के माध्यम से बच्चों तक खाना लेके जाती, जब हमने उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। और हमने शिकायतकर्ता से बात की है, वो क्या कह रहे हैं चलिए वो भी जानते हैं। क्या कहिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपकी खिचड़ी में बहुत ज़्यादा खराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या कहेंगे मनसे के पदाधिकारियों के इस आरोप पर? मनसे के पदाधिकारी के हिसाब जो उन्होंने आरोप लगाए हैं सरासर गलत है। हम लोग लास्ट 8 मंथ से काम कर रहे हैं यहाँ पे और अच्छा पूरक आहार ही हम लोग पोषक आहार ही हम लोग सब स्कूलों में दे रहे हैं और उसका रोज़ हम लोग उनका जो है उद्देश्य जो रहता है वो स्टेटमेंट में लेते हैं कि आज हमारा चाव कैसा है, हमारी खिचड़ी कैसी है, हमारा दाल चावल कैसा है, वो रोज़ के रोज़ हम लोग लेते हैं और रोज़ अपडेट करके हम लोग चेक करके स्कूलों में खाना देते हैं। लेकिन आज तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है और अभी तक अभी किसी ने हम लोगों को ऐसी तकरार भी नहीं दी है। लेकिन पहले 7 दिन से, लास्ट 7 डेज से मेरे पीछे मनसे वाले एकदम हाथ धो के पड़ गए। मेरी स्कूलों में ज़बरदस्ती जाते हैं, घुस जाते हैं अंदर, डब्बे खोलते हैं देते हैं, डब्बे खोल के चमचे से हिला देते हैं। अभी आप सोचो चमचे से ऐसे हिलाएंगे, उसमें कुछ पाउडर वगैरह कुछ डाल दिया, कुछ कर दिया और मेरे पे आक्षेप लगाए तो हम लोग क्या करेंगे, किसके ऊपर हम लोग ब्लेम करेंगे? एक तो मनसे के अधिकारी एल्बर्ट डिसोजा और दूसरा अभिनंदन चौहान और उसके साथ में कार्यकर्ता, ये सब अंदर ज़बरदस्ती स्कूलों में घुसते हैं। हमने जब स्कूल के अधिकारी लोग को पूछा कैसे, बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, ज़बरदस्ती आके कर रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, तो हम लोग ने ये किया, ऐसा उन लोग ने बोल दिया। अभी लास्ट कल के दिन में उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा डब्बा उठा के वहाँ से रस्ते में से चलते चलते निकाल के लेके गए और कि हम लोग ने डब्बा लिया है। तभी मैंने ये तकरार पुलिस स्टेशन में किया कि ये मेरा ज़बरदस्ती डब्बा लेके गए और मेरे पीछे पड़े हैं और मेरे ड्राइवर को कार दे के गए थे 7 डेज के पहले कि आपकी मैडम को हमारे ऑफिस में भेजो। तो भी मैं उस दिन 11 बजे बुलाया लेकिन मैं गई नहीं, पूरे स्कूलों में जाके मैंने स्टेटमेंट लिया। बाद में मैं उसके ऑफिस में गई और उनको बताया कि सर आप मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो, मेरा खाना अच्छा ही जा रहा है। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं हम आपको ऐसे ही परेशान करेंगे, अगर आप हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो आपको मीरा भाईंदर में काम नहीं करने देंगे, मुझे सरासर धमकी दे के बोला गया था। क्या डिमांड है उन लोगों की? उन लोग ने बोला जो हम बोलेंगे वो आपको पूरा करना पड़ेगा, हम लोग का हमारा ऑफिस का खर्चा निकलता है, सब कुछ चलता है। डिमांड का मकसद क्या है? डिमांड का मकसद अभी उन्होंने मुझे यही बोला मेरी डिमांड मुझे पूरी करके देना, मैं बोले ठीक है मैं 4-5 दिन के बाद मैं आपको बोलती हूँ, ऐसा मैंने बोला क्योंकि मुझे परेशान न करे इसलिए। लेकिन तो भी उन्होंने मैंने जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं किया तो कल मेरे स्कूल में चले गए मेरा डब्बा उठा के वापस मुझे हैरेस करने के लिए यहाँ पे और बार बार बीएमसी में आते हैं, आयुक्त के पास जाते हैं, मेरा रद्द करो ऐसा करके बोल रहे दूसरी संस्था को दीजिए या इस्कॉन को दीजिए, ये बारम्बार मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। आप ठेकेदार हो या महिला बचत गट चलाते? मैं महिला बचत गट का ही चलाती हूँ। क्या नाम की बचत गट है? सप्तशृंगी महिला, हमारे 3 संस्थाएं यहाँ पे चल रही है मीरा भाईंदर में लास्ट 8 मंथ से और किसी की कोई भी तकरार नहीं है, जो भी कुछ है सही तरीके से जा रहा है, हमारा पूरक आहार बरोबर जाता है। तो आपको क्या लगता है मनसे वाले आपसे इनडायरेक्टली एक्सट्रॉशन करना चाहते हैं? इनडायरेक्टली एक्सट्रॉशन नहीं है, ये रोज हैरेसमेंट है, ये मुझे 7 दिन से मुझे हैरेस करके रखा है उन लोगों ने। देखिए उनका आरोप है कि आप खाना कच्चा पक्का खिलाते, कच्चा पक्का बिल्कुल नहीं खिलाते हैं हम लोग का खाना, पहले हम लोग टेस्ट करते हैं बाद में यहाँ पे भेजते हैं, हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल लोग हैं पहले उनको टेस्ट करवाते हैं, उसकी वीडियो क्लिप है मेरे पास। लेकिन एक मीडिया में एक न्यूज आई थी कि प्रिंसिपल ने खुद आरोप लगाया है कि हमने इसकी शिकायत की है खाना कच्चा, वो भी मनसे वाले ने ही किया था, वो न्यूज में मनसे वाले ने ही की थी। सर उन्होंने जब कंप्लेंट किया है बराबर है मनसे वाले स्कूल वाले ने, तो इनको क्यों नहीं बुलाया, बचत गट वाले को क्यों नहीं बुलाया हमारे यास्मीन चौहान को क्यों नहीं बुलाया कि आपकी खिचड़ी, इतने दिन उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया बराबर है, इतना 7 दिन से ये हैरेसमेंट हो रहा है तभी ने, और कल ही कैसा उन्होंने बोला कि आपकी खिचड़ी बराबर नहीं, इतने दिन बराबर जा रहा है खिचड़ी लाइन पे और टाइम देके सब जा रहा, और जब भी टिफिन उठाया गया चौकी में गए तभी उन्होंने किया कि हाँ हमने लिया था, तभी तो खिचड़ी पूरा खाली था डब्बे में, थोड़ा ही था तो फिर तो बच्चे लोग ने खा लिया, पुलिस वाले ने उनको बुलाया गया उधर बुलाया गया, आपने स्कूल का डब्बा उठाया कैसा, उठाने का अलाउड नहीं है और महाराष्ट्र शासन को ऑर्डर है कि अधिकार है उनका सब चेकिंग करना, इनको अधिकार नहीं दिया है, पुलिस वाले ने यही बोला है, वहाँ पे कंप्लेंट करो आप,
जो भी है, तो यहाँ पे कंप्लेंट किया तो बुलाना चाहिए हम लोग को, क्यों नहीं बुलाया? मतलब इनका ही चल रहा है फिर सब जगह पे। क्या चाहते हो महिला लोग को काम? हम लोग जो काम कर रहे हैं मेहनत से कर रहे हैं, बहुत मेहनत से हम लोग ने ये ऑनलाइन भर के टेंडर लिया हुआ है और पूरी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ के हम लोग मेहनत से ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये हैरेसमेंट मनसे वाले लोगों की है। और साहब ठाकरे का ये उद्देश्य है कि महिला लोग को काम होना चाहिए, महाराष्ट्र नव निर्माण महाराष्ट्र का इम्प्रूव करने के लिए है ये, लेकिन ये महिला लोग को काम करने नहीं दे रहा है, महिला लोग को हैरेस किया जा रहा है, यहाँ से निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। मनसे का पूरा यही है, मुझे यही तकरार है कि अगर वो बोलते हैं कि महिलाओं को आगे करो तो महिलाओं का काम लेके उसको किसको देना है? उसको खुद को करना है या खुद की संस्थाओं को देना है? यही मेरे आशय पे उसके ऊपर। अब चलिए बात करते हैं शिकायतकर्ता से, वो क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आपको आरोप लगाया कि आपने उसे कहा है कि अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रॉबर्ट डिसोजा है, मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना का शहर अध्यक्ष हूँ। मैं कई महीनों से कई सालों से विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा हूँ और यही मामला मेरे सामने आया था, ये खाने का। कुछ वहाँ के झोपड़पट्टी इलाके में जो बच्चे रहते हैं, सेकेंडरी स्कूल के बाजू में स्कूल क्रमांक मनपा शाला क्रमांक है 3018, तो ये पूरी इमारत है उस इमारत में, और मीरा भाईंदर के 38 स्कूलों में हमारे विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ताओं ने खाने का सर्वे किया था कि खाना किस तरीके का बच्चों को दिया जाता है। और इसके लिए खुद मैं भी था पिछले हफ्ते। मिड डे मील मतलब दोपहर का खाना जो बच्चों को मिलता है, चावल दाल और वटाने की सब्जी कच्ची थी, जो दाल थी वो चटनी का मतलब मसाले का पानी था और कच्चा चावल था। इसका कच्चा चिट्ठा मैंने आयुक्त साहब को, अतिरिक्त आयुक्त साहब को दिया था। और उसी चलते सैटरडे के दिन एक किस्सा हुआ था, सैटरडे के दिन 2 डब्बे खिचड़ी के बच्चों को दिया था, वो डब्बे पूरे के पूरे भरे हुए थे, बच्चों ने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो खिचड़ी था वो कच्चा था। उसी की कंप्लेंट मेरे पास आई थी। फिर मैंने मंडे के सुबह 12:10 को गया था स्कूल में, हालांकि बच्चों का रिसेस टाइमिंग मतलब खाने का छुट्टी सुबह 9:30 से लेकर 10 बजे होता है, तो वो डब्बा बच्चों ने नहीं खाया। बच्चे पढ़ते हैं 500, तो 500 बच्चों में 2 डब्बा खाली नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है ये खाना खराब बच्चों को दिया जाता है। ये पहली बात हुआ। दूसरा मुद्दा ये है कि मैंने 12:10 को जब मैं स्कूल में गया था तो वहाँ के हेडमास्टर नहीं थे, मतलब प्रिंसिपल वहाँ पे थी नहीं, अवेलेबल नहीं थे, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि मैडम ऐसा ख़राब खाना आता है तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने बोला हम डेली रिपोर्ट करते हैं लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठेकेदार बहुत ही अपनी भाषा गलत भाषा का उपयोग गलत करते हैं और किसी को सुनती नहीं, उनका मनमानी खुद चलाते हैं। ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा मुद्दा, वहाँ से मैंने एडिशनल कमिश्नर साहब को मतलब संभाजी पानपट्टे सर को फ़ोन किया और बताया कि सर ये खाली डब्बा है, कच्चा खिचड़ी है, वो मैं लेके आपके पास आ रहा हूँ। और यही खिचड़ी लेके उनके पास गया। लगातार उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो इरिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चों को लेके इरिस्पॉन्सिबल हो रहे, खाना बराबर नहीं दे रहे। अगर आप मुझे बताइए, अगर ये खाना खा के बच्चों को अगर कुछ हो जाएगा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? हम लेंगे, आप लेंगे या वो ठेकेदार लेगा? अगर प्रशासन से पैसा लेता है खाना अच्छा देने का तो खाना क्यों नहीं अच्छा दे रहा है? यही अगर आरोप कर रहा हूँ उनका, कच्चा चिट्ठा मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसके लिए वो मेरे पे आरोप करे, ये सब आरोप गलत है और मैं से नाकर। अगर इस तरीके के उनके पास बयान आया है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके खिलाफ तीव्र आंदोलन करेगी और हमको महिला और भी आरोप लगाया कि आप आए और डब्बा लेके इसका लेके चले गए, अगर आप अधिकारी के पास लेके जाहिर है हमें क्यों नहीं बताया? हो सकता है आपने कुछ अंदर मिलाया हो। अभी हाँ, यस यस, बिल्कुल सही बात कही आपने सर। हमने अगर कुछ मिलाया होता तो वो मैं खिचड़ी अतिरिक्त आयुक्त के सामने खाया ही नहीं होता। अगर मैं कुछ मिलाया होता तो मुझे कुछ होना चाहिए था, मेरे साथियों को कुछ होना चाहिए था, अधिकारियों को कुछ होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कुछ भी बोलेंगे, इनको मुंह दिया है भगवान ने, कुछ भी बात करेंगे। दूसरी बात, ये महिला बचत गट की बात करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला बचत गट अपने मेहनती काम करते हैं। अगर उनको गलत बोल के पुलिस स्टेशन में लेके जाके हमारे पे खोटे अगर गुनाह दाखिल करने का प्रयत्न करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और ये ज़रूर याद रखें, महिला है, सम्मान करते सम्मान ले लो। अगर इसी जगह अगर कोई पुरुष रहता तो उसको उसकी जगह हम लोग उसी दिन दिखा देते थे। यानी इन्होंने जो आपके ऊपर आरोप लगाया है उसका बारे में क्या? मैं खंडन करता हूँ, कौन से आरोप करते हैं? खुद पैसा खाते, खुद भ्रष्टाचार करते हैं और खुद नीचे दर्जे का एकदम खराब खाना बच्चों को देते। अगर इस खाने से बच्चों को कुछ भी होगा उसकी जवाबदारी वो ठेकेदार रहेगी, हम नहीं रहेंगे, हम बस विद्यार्थियों के लिए लड़ेंगे। इसके बारे में हमने एडवोकेट विक्रम जी से बात करना चाहा, उन्होंने क्या कहा, चलिए ये भी सुनते हैं। आपका नाम क्या है और पूरा मैटर क्या है? मेरा नाम
एडवोकेट विक्रम सिंह है। मैटर नहीं, एक विषय है जिसको बहुत बुरी तरह से यहाँ के लोगों ने, स्थानीय कुछ नेताओं ने इसको बिगाड़ दिया है। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, संवेदनशील मुद्दा होने के नाते बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और बच्चे से जुड़ा हुआ मुद्दा ऐसा होता है कि कभी भी आपको उसको सही पटल पर रखना होता है। सही पटल पर रखने का कारण भी ये होता है कि अगर आप समाज सेवा में उतरे हो और आप चाहते हो कि समाज में कुछ सुधारक हो, तो आपको कानून के दायरे में रह के आपको समाज सुधारना की बात करनी पड़ती है और उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है। कल एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल जो होता है विद्या का मंदिर होता है, विद्या के मंदिर में विद्या बांटी जाती है, विद्या का लाभ बच्चे लेते हैं। लेकिन कल वहाँ पे एक शर्मनाक घटना ऐसी हुई कि जो आहार, जो मिड डे मील आहार स्कूल में जो महिलाओं ने, कॉन्ट्रेक्टर ने जिन्हें भेजा था, उनके डब्बे को कहीं ना कहीं छीना ऐसा गया कि डब्बा कॉन्ट्रेक्टर का था, वो डब्बा स्कूल में आया था, कोई थर्ड पार्टी उसमें घुस के वो डब्बा उठा लिया, और उठा के उसको कहाँ लेके गया, उस डब्बे के साथ में क्या किया, उसमें मिलावट की नहीं की, या खिचड़ी पलटी की गई, क्या की गई, उसकी जानकारी नहीं है अभी तक। वो अभी क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन का क्या बोलते हैं भाग है। वो डब्बा क्या बोलते हैं मनपा में लाया गया, और मनपा में ला के जो यहाँ पे हमारे सम्माननीय पानपट्टे साहब है, उनको फोर्स किया गया कि आप ये खिचड़ी चख के देखो, खा के देखो। अब मुझे बताइए, जो आहार 12 बजे 11 बजे सर्व करना होता है, बच्चों को देना होता है, जो बनता सुबह 6-7 बजे है, वो खिचड़ी को लाके आप दोपहर में 3-4 बजे आप लाके मनपा अधिकारी के सामने पटकेंगे और बोलेंगे आप टेस्ट करके दिखाओ। तो पहली बात तो आपने इसमें जो सरकारी कामकाज है उसमें आपने दखलअंदाजी की। उसके पहले आपने एक स्कूल जो है क्या बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और गवर्नमेंट स्कूल जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको आपने ट्रेसपास किया, उसके अंदर घुसा और घुस के क्या बोलते हैं डब्बा वहाँ से छीना। तीसरी चीज़, आपने डब्बा वहाँ से चोरी किया, आपने जो कॉन्ट्रैक्टर का क्या बोलते हैं डब्बा था उसको उठा के छपट के वहाँ से लेके आया, लाके क्या बोलते हैं उसको अपनी कस्टडी में ले लिया, तो आपने इलीगल क्या बोलते हैं आपने कस्टडी लिया एक प्रॉपर्टी का, जो कि बच्चों से जुड़ा हुआ मैटर है। कल आप उसके अंदर जमाल घोटा मिला दे या उसके अंदर ऐसी कोई पदार्थ मिला दे जिससे बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है, उसका क्या बोलते हैं जिम्मेदार कौन होगा। तीसरी बात, अगर आपको क्या बोलते हैं खाने के क्वालिटी से या खाने के क्या बोलते हैं गुणवत्ता से कोई प्रॉब्लम थी, तो आपको लिखित में आपको क्या बोलते हैं आपकी अर्जी देनी थी मनपा में, और मनपा का सुनवाई नहीं करनी थी, उसको सेकंड रिमाइंडर देना चाहिए था। अगर सेकंड रिमाइंडर पे भी अगर क्या बोलते हैं मनपा कोई सुनवाई नहीं करती है, तो आपको उनको क्या बोलते हैं इशारा देना चाहिए था कि हम आपको क्या बोलते हैं यहाँ आंदोलन करेंगे। अगर आप इतने बड़े समाजसेवी है और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपका ये क्या बोलते दायित्व बनता है आपको राजनीति सिखाना, हमको हमारा काम तो है नहीं, तो आपको उतर के क्या बोलते हैं आंदोलन करना चाहिए था, या तो फिर आपको मनपा को निवेदन करना चाहिए, मनपा अधिकारियों को, कि आप हमारे साथ में चलिए। जो आपने खुद अपने वो डब्बा उठाया खाने का, आप मनपा के अधिकारियों से निवेदन किए होते कि आप हमारे साथ में चलिए, एस्कॉर्ट कीजिए, हम जाएंगे उस स्कूल में, वहाँ पे खाना ख़राब आ रहा है, आप हमारे साथ में चलिए, हम डब्बा खोलेंगे, आप वहाँ पे चखिएगा। हाँ, आप मनपा अधिकारी को लाए होते, स्कूल में घुसे होते, डब्बा खोले होते, डब्बे में खाना ख़राब होता या कुछ होता, तो मनपा अधिकारी वहाँ पे तुरंत उस संस्था वालों को क्या बोलते हैं मेमो निकाल दिए होते, या मेमो निकाल के आपका कंप्लेंट अटैच करके वो अपर जो क्या बोलते हैं उनके अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनके पास भेजे होते। भेजने के बाद में मनपा अधिकारियों को हमको ब्लैकलिस्ट करना था, संस्था को ब्लैकलिस्ट करना था, या क्या बोलते हैं फांसी चढ़ा देना था। वो मनपा अधिकारियों का कामकाज है, उनका क्या बोलते हैं जिम्मेदारी है, और उनका जिम्मेदारियों को आपने हाथ में लिया। जैसे पुलिस प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जैसे अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अब मैं जाके कहीं पर मॉरल पुलिसिंग करूँगा, कोई अगर क्या बोलते हैं झगड़ा हो रहा है, मारामारी हो रहा है, उसमें जाके मैं मारना शुरू कर दूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं पुलिस के कामकाज में दखलअंदाजी कर रहा हूँ। उसी तरीके से जो कल पूरा घटना यहाँ पे हुआ, उस घटना के अंदर आपने कहीं ना कहीं मॉरल पुलिसिंग किया, मॉरल पुलिसिंग के नाते आपने बहुत सारे कानून का उल्लंघन यहाँ पे किया, जिससे क्या बोलते हैं जो यहाँ की स्थानीय महिला संस्थाएं हैं, जो आज ये काम में लिप्त हैं, जो काम कर रही हैं, आज कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत हुआ है। हम बात करते हैं वुमन एम्पावरमेंट की, लेकिन वुमन एम्पावरमेंट के नाम पर आज महिलाओं को यहाँ पर तंग किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग इसके अंदर लिप्त हैं, जिन्होंने कल क्या बोलते हैं महिलाओं के साथ में ये गलत काम किया, हताशा किया है, उनको आज वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे आज महिलाओं को परेशान किया गया है वहाँ पे, जो उनके काम में दखलअंदाजी की गई है, जो क्या बोलते सरकारी काम में दखलअंदाजी की गई है, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। कल एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता आके ये काम किया, परसों मालूम पड़ा दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का नेता आएगा, तीसरा परसों मालूम पड़ा वो फलाना पॉलिटिकल पार्टी का आएगा, तो मतलब इसमें पूरा जो केंद्र था वो केंद्र ये था कि खाना बनाना है और बच्चों को खिलाना है। लेकिन कल मालूम पड़ जाएगा कि मीरा भाईंदर के अंदर बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, और ये पूरा अखाड़ा बन गया है राजनीति का। तो कहीं आरोप लगाया कि खाना में मिलावट है, खाना सही से नहीं है, उसका क्या? खाना का मिलावट है ये आप और हम तो तय नहीं करेंगे, ये तय करने की जिम्मेदारी पूरी से पूरी तरीके से
शिक्षण अधिकारियों की है, शिक्षण समिति की है। उनको जिस दिन ये मिल जाएगा, या जिस दिन मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि पुलिस जितने भी शिक्षण अधिकारी कमेटी है वो एकदम बहुचक्का क्या बोलते हैं इंस्पेक्शन करे, सरप्राइज विजिट दे, और जिस किसी का भी खाना खराब होगा या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी उसी दिन उस संस्था को ब्लैकलिस्ट कर देवे और सीधा ये काम उनसे छीन लेवे, दूसरे आदमी को दे देवे।